Hello, good evening. Today, chapter 9 and 10, that is light, reflection and refraction. So first of all, what is light? Light is made up of photons. By chance, if you ask a question, then photons, P-H-O-T-O-N-S, these photons, light ke particles ko bolte hain. So if light ki jagah ye word use kiya ho, toh confused mat ho jana. Now, first of all, कि हम कैसे चीजों को देख पाते हैं तो because of again light, light किसी object पे गिरती है और वहां से reflection होता है तब जाके अपने किसी चीज को देख पाते हैं. अपने अंधेरे में कोई चीज को नहीं देख पाते. रीजन यही है कि लाइट आती ही नहीं है, तो लाइट उस चीज पे टकराएगी नहीं और अपनी आंखों तक पहुंचेगी नहीं. यहाँ पे उजाला आ रहा है, लाइट आ रही है, लाइट चीजों पर टकरा रही है और हमारी आंखें रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए हम चीजों को देख सकते हैं. लाइट ट्रेवल कैसे करती है? तो लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है. बाई चांस अगर एक और कॉर्नर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट, योर आंसर विल बी ट्रांसवर्स वेव. नाइन्थ में था, ट्रांसवर्स वेव लाइट को बोलते हैं अगर पूछे तो. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला ही सबसे पहले तुम्हारा पेज नंबर 161 पे दो रूल है तुम्हारे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. दो मार्क में ये पूछ सकते हैं. तो पहला, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर आप देखें कोई भी एक सरफेस है तो लाइट टकराएगी और ऐसे जाएगी. अगर ये परपेंडिकुलर को हम लोग नॉर्मल बोलेंगे, दिस वन इज इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे. और ये एंगल आप देखोगे, एंगल आई और एंगल आर जो रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा? सेम. अब इसमें कंडीशन है, पहले सेम की बात करते हैं. अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा? 30 डिग्री. बट दिस सरफेस शुड बी रेगुलर. इसको रेगुलर सरफेस बोलते हैं, इसको स्मूथ सरफेस बोलते हैं. अगर इररेगुलर सरफेस है तो लाइट यहां से टकरा के क्या सेम एंगल पे जाएगी? नो. तो इररेगुलर सरफेसेस पे अच्छे से रिफ्लेक्शन मिलेगा नहीं. तो एग्जांपल अगर मिरर की बात करें, मिरर इज अ वेरी स्मूथ सरफेस, यू कैन सी योर इमेज, क्लियर इमेज आपको दिखाई देती है. बट पत्थर पे, अभी बेंच देख लो, बेंच इतनी पॉलिश्ड सरफेस नहीं है तो आपको बेंच पे अपना रिफ्लेक्शन दिखेगा नहीं. तो ये सारी चीजें है. ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट, इंसिडेंट नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन. तीनों दिन एक ही साइड एक ही प्लेन में ये है. तो दो तुम्हारे सिंपल से यहाँ पे पॉइंट बन जाते हैं. दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इंक्लूडिंग स्पेरिकल सर्फेसिस. हर एक टाइप जो भी रिफ्लेक्ट करेगा सर्फेस, वो सभी के ऊपर ये रूल जो है वो एप्लीकेबल होता है. अब यहाँ पे प्लेन मिरर की कुछ बात की, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा चार मार्क तक में पूछा जा सकता है. प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है, प्लेन मिरर के यूजेस भी इसमें दिए हुए हैं. तो इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो पहले तो रियल और वर्चुअल की बात कर ले. व्हाट आर रियल इमेज? रियल इमेज आर फॉर्मिंग ऑन द स्क्रीन. अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो इमेजेस विच कैन बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड रियल इमेज एंड वर्चुअल विच कैन नॉट बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं. इरेक्ट और इनवर्टेड किसको बोलेंगे? इनवर्टेड यानी उल्टी इमेज और इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज. द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सेकंड पॉइंट तुम्हारा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वही हमारा इमेज का साइज भी होगा. ना छोटी साइज होगी ना बड़ी साइज होगी, सेम साइज होगा. द इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. सपोज कि अगर ये आईना है तो आईने से दूर अगर आप 2 मीटर पे खड़े हो तो आपकी इमेज अंदर और 2 मीटर पे होगी. अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाए तो आपके 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं. सबसे पहले, व्हाट इज द डिस्टेंस इफ यू आर स्टैंडिंग 2 मीटर्स अवे फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ योर इमेज फ्रॉम द मिरर? मिरर आपकी इमेज से 2 मीटर एंड फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड इमेज 4 मीटर. ठीक है, तो इस तरह से. फर्दर द इमेज इज लेटरली इनवर्टेड. लेटरली का मतलब राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट, तो उसको बोलते हैं लेटरली इनवर्टेड. और इसके यूजेस आपको पूछे जाते हैं तो यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं? तो कैलिडोस्कोप देखा होगा बच्चों का, खिलौना नहीं होता, 3 ट्राइंगुलर शेप में आईने रखे होते हैं, आप बीच में देखोगे तो भिन्न भिन्न प्रकार की इमेजेस दिखाई देती है, तो उसको कैलिडोस्कोप बोलते हैं. दूसरा पेरिस्कोप अगर देखा हो, सबमरीन्स में होते हैं, एक एंगल पे 45 डिग्री के एंगल्स पे जो पूरा उसका टनल्स रहते हैं, वो टनल्स के थ्रू मिरर्स को प्लेस किया जाता है ताकि सबमरीन से ऊपर का कहीं पे भी देख सकते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर. दूसरा शेविंग मिरर इन सब में भी यूज होता है. So, this is plane mirror. Plane यानी straight mirror, कोई angle नहीं है. जबकि दो type के spherical mirrors भी आते हैं. दोनों same है ना? No. This one is concave. This one is convex. Concave, जिसका अंदर का surface
इंटरनल रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर है, इंटरनल शाइनिंग सरफेस अगर है, तो क्या हुआ? कॉनकेव मिरर। और अगर आउटर सरफेस बल्जी है और वो रिफ्लेक्टिंग है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉनवेक्स। दो तरह के ये मिरर्स रहते हैं। दूसरा, जब लाइट यहां पे टकराएगी कॉनकेव में, इट विल कन्वर्ज, वो कन्वर्ज होगी। दो पैरेलल अगर लाइट आएगी तो वो क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। तो इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें दूर फेंका जाएगी। अगर लाइट यहां आ रही तो ऐसे रिफ्लेक्ट अपोजिट साइड पे जाएगी, तो इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। तो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर, तो मिरर्स की बात है, तो सबसे पोल रिलेटेड कई, आई मीन मिरर रिलेटेड कई सारी डेफिनेशंस हैं। अपने कॉनकेव को पकड़ के चलते हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द मिरर फ्रॉम व्हिच द मिरर इज कट। जिसमें से ये पूरा एक मिरर होगा, इसमें से ये जो छोटा सा पार्ट काटा हुआ, ये उसी मिरर का, इस पूरे स्पीयर का सेंटर होगा, ठीक है। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ सीएनबी फोकस? यानी कि जहां पे पैरेलल इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट अगर है, वहां से अगर इमेज आ रही है तो ये इसी पॉइंट पे मौजूद यानी कि आती है, ठीक है। देन कम्स योर अपर्चर। ये जो जितना भी डिस्टेंस का, जितना भी साइज का तुम्हारा मिरर रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग अपर्चर। अपर्चर को जनरली एम एम डैश या एम एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है तुम्हारे जो मिरर को बता दे, इसके डेफिनेशन कई सारी है। कुछ रिलेशन है जैसे कि सी, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ध्यान रखना, अगर फोकस लिख रहे हो तो कैपिटल एफ लिखना, और फोकल लेंथ लिख रहे हो तो स्मॉल एफ लिखना। तो R और F का एक रिलेशन है, R is equal to 2F और F equal to R upon 2। तो ये कुछ कुछ रिलेशन है, वो दिमाग में रखना है। तो सारी डेफिनेशन वहां पे पीछे है, पेज नंबर 162, 163 पे ऊपर सारी डेफिनेशन रिलेशन ये सारे के सारे दिए हुए हैं। इमेज फॉर्म बाय द स्पेरिकल मिरर्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ये वाला जो चार्ट है उसको याद कर लेने का। हर एक रे डायग्राम जो तुम्हारे है उसमें से एक रे डायग्राम की चांसेस है, कम से कम तुम्हारे 8 मिरर के और 8 लेंस के एक डायग्राम तो जरूर से पूछा जाता है। तो इसको करने का अच्छे से अगर याद करा दे तो सिंपल एंड स्वीट। मिरर्स में कॉनकेव मिरर की बात करें तो 6 डायग्राम आएंगे, जिसमें दूर से शुरू करें तो इनफाइनाइट पे अगर है तो इमेज क्या बनेगी? फोकस। इट्स नेचर विल बी रियल, नेचर रियल एंड इनवर्टेड, एंड साइज विल बी हाईली डिमिनिश्ड। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, इमेज दूर जाती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ डिमिनिश्ड, अभी भी छोटी इमेज है। एट सी रियल इनवर्ट सेम साइज, ठीक है। बिटवीन सी एंड एफ बियॉन्ड सी, तो समझो जो पहले ऑब्जेक्ट में था अब वो इमेज में आता जा रहा है, उसका पूरा रिवर्स प्रोसेस होता है। अल्टीमेटली तुम्हारा लास्ट में जब फोकस पे है तब पैरेलल, क्योंकि जब पैरेलल जी तो फोकस पे आ रहा था तो सीधा रिवर्स हो गया यहाँ पे भी। एंड लास्टली बिटवीन एफ एंड पी पे जब आता है तो ये अलग है, इसमें बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज जो फॉर्म होती है, तो सारी इमेजेस जो है अपनी ये वाला जो डायग्राम है तुम्हारा सारे करवाए थे आप लोगों, ठीक है। ये आना चाहिए, इसमें कोई डाउट हो तो तुम लोग डाउट सेशन में पूछ सकते हो, अदरवाइज सारे रे डायग्राम आने चाहिए। और रे डायग्राम के कुछ रूल्स है जो ड्रॉ करने से पहले आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले, इफ द लाइन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है, पहला रूल। दूसरा, रिवर्स रूल, इफ द इंसिडेंट इज पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बाउंस बैक इन पैरेलल डायरेक्शन टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और तीसरा, इफ इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल बाउंस बैक इन द सेम डायरेक्शन विदाउट एनी डेविएशन। ये तीन रूल इसमें एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। Then uses a concave or convex mirror के काफी अच्छे uses है इसके, दो दो मार्क में पूछे जाते हैं तो बहुत अच्छे थे। 166 में नीचे देख लो concave mirror के uses है। Concave mirror are commonly used in torches, searchlight and vehicle headlight to get powerful parallel beam of light। तो इसका concept ये है कि जब bulb बीच में होता है ना, ये अगर bulb है, ये जो अंदर का पूरा reflecting surface होता है वो कैसा, देखो concave shape में ये पूरा reflecting surface होता है। ये बल्ब, इसका जो डिस्टेंस होता है फोकस पे होता है। जैसे ये बल्ब ग्लो करेगा इसकी लाइट जाएगी, फोकस से जा रही है तो क्या होगा, इसका टकरा के पैरेलल हो जाएगी,
ये इसका कंसेप्ट है यार है। तो फोकस से लाइट जब पीछे टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होकर कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये इसका कंसेप्ट है, सीधी हमको दूर दूर तक ये पैरेलली एंड पावरफुल बीम ऑफ लाइट हमको दिखाई देती है। तो याद रखना बल्ब हेडलाइट वगैरह इन सब में कौन सी कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव। सेकंड दे आर ऑफन यूज अ शेविंग मिरर टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। शेविंग मिरर ऑब्वियसली अपने शेव अगर करते हैं या मतलब आईने के सामने खड़े रहते तो पास में ही खड़े रहते हैं, पास में यानी कि या तो फोकस पे खड़े रहेंगे या फोकस से थोड़ा आसपास खड़े रहेंगे। व्हाट एवर द डिस्टेंस इज आवर इमेज विल बी एनलार्ज। सी के बाद अपनी इमेज कैसी हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है। डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। ऑब्वियसली जब डेंटिस्ट वो कॉनकेव मिरर दांतों के पास एकदम रखता है तो एफ और पी के बीच में रखता है वो बेसिकली फोकल लेंथ और उसके बीच में रखता है तो इमेज वो कैसी दिखने वाली है, एनलार्ज दिखने वाली है। एनलार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस, सोलर हीटर, इन सभी में सोलर कुकर भी है तो इन सभी में कॉनकेव मिरर यूज होता है। क्योंकि कॉनकेव मिरर का कंसेप्ट क्या है, सन की रेस कहां से आएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, दूर से आएगी तो कैसी होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल होगी टकरा के कहां जाएगी, फोकस पे, यानी सारी रे एक जगह इकट्ठी होगी। एंड व्हेन सनलाइट रे आर मर्जिंग एट वन पॉइंट इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ हीट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द सोलर अप्लायंसेस। कॉन्वेक्स में दो डायग्राम तुम्हारे हैं, सिंपल है दोनों। जब इनफाइनाइट पे है तो बिहाइंड द मिरर है, वेयर याद रखना है आपको वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, ठीक है, फोकस पे मिलता है लेकिन कहां मिलता है, मिरर के पीछे। और सेकंड डायग्राम तुम्हारा अगेन यहां पे भी वैध ही है लेकिन बिटवीन पी एंड एफ कहीं पे फॉर्म होता है, अगेन ये भी वर्चुअल इलेक्ट्रॉन डिमिनिश्ड इमेज ही है। इन दोनों ही केस में बिहाइंड द मिरर ही ऑप्टेन होता है। अब एक क्वेश्चन इन सभी आठ डायग्राम में से कॉमन, विच टाइप ऑफ इमेज कैन नॉट बी फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, वैध, वर्चुअल इरेक्ट, डिमिनिश्ड, वो नहीं बना था हमने देखा ना, वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज बनाता है, रियल इनवर्टेड स्मॉल सेम साइज एनलार्ज तीनों तीन बनाता है, तो कौन सी नहीं बना रहा, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश नहीं बनाता है, ठीक है, तो ये याद रखना। और दोनों में लेंस और मिरर में दोनों में यही वैध आंसर आता है, विच इमेज कैन नॉट बी फॉर्म बाय, अगर ऐसा आएगा ना तो वैध दिमाग में रखने का। फिर आ जाओ तुम्हारा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस पे, पेज नंबर 168 पे। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल। रियर व्यू आपको पता ही है, जब रियर व्यू आप आईने में देखते हो, साइड पे देखते हो तो आपको पूरा पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश, छोटी इमेज दिखाई देती है लेकिन कंप्लीट इमेज दिखाई देती है। आपको पूरी ट्रक के अंदर बैठा गया, उसने कौन से कपड़े पहने वो सब नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि वहां पे कोई पीछे व्हीकल है, दैट्स द मेन मोटो ऑफ द रियर व्यू मिरर्स। तो आपको कंप्लीट इमेज दिखनी चाहिए, तो इसलिए रियर व्यू में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। This mirror is fitted on the side of the vehicle, enabling the driver to see the traffic behind him or her to facilitate safe driving. Convex mirrors are preferred because they are given an erect image. सीधी इमेज देता है, इसलिए convex mirror को preferably, क्योंकि ट्रक अगर पीछे से उल्टी आती हुई दिखाई देगी तो अजीब दिखेगा आपको। दो diminish, यानी छोटी है लेकिन erect और complete image हमको मिलती है। Also they have wider field of view as they curved outward. अब ये तुम्हारा एक reason भी है, Why convex mirror are used in the rear view mirror? दो मार्क में ये इतना छोटा सा पूछ सकते हैं, यही सेम एक्सप्लेनेशन आपको लिखना रहेगा। Thus convex mirror enables the driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror. तो plane mirror से इतना बड़ा एरिया कवर नहीं हो पाता, plane mirror में exact same size का होता है, तो इसमें भले साइज छोटी लेकिन लार्जर एरिया जो है वो कवर होता है, ये इसके कुछ रीजन है। Now this answer is very important. Sign convention for reflection of spherical mirror. तो जो spherical mirror है उसी के हिसाब से sign convention हमको देखना है। सबसे पहली चीज पांच पॉइंट है। Object is always placed कहाँ पे? Left side of the mirror. सबसे पहला point. Second, all the distance are measured from pole. सभी distance pole से measure किए जाते हैं। Third point, ये x axis है, ठीक है? और इसको अगर y axis consider किया जाए, तो object कहाँ पे? x एक्सिस पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर इस पे आगे एक्शन करें तो ये तुम्हारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, ग्राफ पता है ना सबको। तो पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी है तो क्या आएगा, डिस्टेंस नेगेटिव। राइट साइड पे कुछ भी है तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर परपेंडिकुलरली अपवर्ड है तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। और परपेंडिकुलर डाउनवर्ड तो कैसा आएगा, नेगेटिव। तो चार पॉइंट में तुम्हारा ये एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत इजी और सिंपल है। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि मिरर फॉर्मूला, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f, दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। नाउ व्हाट डज दिस मिरर फॉर्मूला गिव्स, इमेज कैसे मिलती है,
उसका नेचर कैसा है और उसका साइज कैसा है, ये हमको मिरर फॉर्मूला देता है। ठीक है, मिरर के केस में मिरर है तो ये है लेंथ होता था 1/b - 1/u = 1/f। ठीक है, ये तुम्हारा लेंस फॉर्मूला। अब इनमें एक चीज है, कंसेप्ट है मैग्निफिकेशन, एम मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, पहली डेफिनेशन। दूसरा, इट्स द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी है इसका। यानी एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ भी लिख सकते हैं, दूसरा v बाई यू भी लिख सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है जो आपको याद रखना है, अगर मैं मिरर की बात करूं तो माइनस, और अगर लेंस है तो प्लस, ये इतना याद रखना है, बाकी नहीं है। आपको डेफिनेशन में माइनस है कि प्लस है वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, अगर डेफिनेशन है वो तो जैसा रेशियो के फॉर्म में लिखना है। फॉर्मूला यूज करोगे तो ध्यान रखना है m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू v बाई यू, अगर लेंस है तो, अगर मिरर है तो माइनस v बाई यू, अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज रखनी है। मैग्निफिकेशन से रिलेटेड दो बातें, सबसे पहले अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज का नेचर कैसा है? वर्चुअल। वर्चुअल अगर है तो इमेज कैसी है? इरेक्ट है। तो वर्चुअल और इरेक्ट तुम्हारा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होता है तो, यानी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो, और अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, यह हो गया तुम्हारा नेचर। Now size, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन वन है diminish, ग्रेटर देन वन है एनलार्ज, इक्वल टू वन है सेम सर, ये तीन चीजें ही है। तो ये कब पता चलेगा आप लोगों को? जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे तब। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल में ये ही फॉर्मूला यूज करनी है, और आपको u की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए कर के मैं भी क्यों ना बोलू तो भी आपको क्या लगाना है? नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू अवर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे साइन कैसी रहने वाली है? नेगेटिव। और ध्यान रखना, कभी अगर आपको यू फाइंड करने बोला है तो कुछ भी हो जाए आंसर माइनस में ही आना चाहिए, अगर माइनस में नहीं आ रहा है ना तो समझना तुम्हारे कैलकुलेशन में गड़बड़ी है। तो यू फिक्स है, माइनस में ही आएगा तुम्हारा। ठीक है, इस तरह से वी कैन बी एनीवेयर, कहीं भी आ सकता है, वी इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। हाँ, कॉन्वेक्स अगर है ना तो वी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा। ठीक है, बिहाइंड द मिरर ही तो फॉर्म हो रहा है ना। नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन का ये कंसेप्ट था। नाउ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? लाइट जब किसी ट्रांसपेरेंट, एंड लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ ट्रांसपेरेंट, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, इट बेंड्स, बेंड कर जाती है। वो बेंडिंग के दो सिनेरियो है, कौन से मीडियम में जा रही है? So there are two types of medium, rarer medium and denser medium. Rarer medium यानी कि उस medium के particles की position काफी दूर दूर है, एक दूसरे से काफी दूर दूर है, और denser यानी काफी करीब करीब है। Say for example, अगर मैं air की बात करूं और अगर मैं glass की बात करूं, याद रखना denser और rarer medium जब तुम देख रहे हो ना तो हमेशा दो mediums को आपको compare करना रहेगा। ठीक है, हमेशा दो मीडियम कंपेयर करोगे तभी बता सकते हो कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है। इफ आई टॉक अबाउट एयर एंड ग्लास मीडियम, या एयर या वाटर की बात करूं, एयर इज द रेयरर मीडियम वेयर एज ग्लास और वाटर इज द डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू एयर वन। ठीक है, तो सपोज वी आर सेइंग दैट लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास मीडियम, ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास लैब है सपोज, यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, तो क्योंकि रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो अवर रूल सेज व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, ये नॉर्मल तो जानी चाहिए थी ऐसे लेकिन बेंड कर जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। तो पहला रूल, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम द लाइट बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, इसका मतलब जो स्पीड है वेलोसिटी है वो कम हो रही है, रेयरर टू डेंसर जब लाइट जा रही है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है इसलिए टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है। द रिवर्स सिनेरियो इज व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जैसे ये ग्लास लैब है यहाँ पे क्या होगा पहले बेंड करेगा, ये नॉर्मल था यहाँ पे बेंड किया, लेकिन ये ग्लास लैब से जब बाहर निकलेगी रे तो वापस से ऐसे चली जाएगी बाहर की तरफ चली जाएगी, इस तरह से रहेगा। तो रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वन मोर थिंग, इफ द लाइट इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस देन इट वोंट डेविएट एनीवेयर, सीधी सीधी 90 पे जा रही है 90 पे ही निकल जाएगी। ठीक है, तो ये केस याद रखना आप लोग। दूसरी बार एंगल्स का आपको पूछ सकते हैं, जैसे ये एक एंगल है
इंसिडेंट एंगल सपोज के ये 30 है, अब इसमें दो सवाल आ सकते हैं। अगर आपको इंसिडेंट एंगल दिया हुआ है तो आपका सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे मेकिंग विद द सरफेस, 60, सिंपल 90 में से माइनस ही करना है आपको, राइट 90 में से माइनस ही करना है। व्हाट इज द एंगल टुवार्ड्स नॉर्मल या फ्रॉम नॉर्मल विद द सरफेस, सोचो। नॉर्मल से काउंट करेंगे तो सरफेस से क्या रहेगा, 90 प्लस फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि ये साइड से अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 तो ये है और ये जो एडिशन था वो 30, यानी कि 120। ऐसा भी पूछ सकते हैं आपको, फ्रॉम द नॉर्मल अगर वर्ड यूज करें ना तो आपको पूरा यानी 90 तो काउंट करना ही है, इसके अलावा इंसिडेंट जो नॉर्मल के साथ बना रहा है वो भी आपको काउंट करना रहता है, ठीक है। अगर ये पैरेलल सरफेस है, जैसे ये केस है, अगर ये 30 है, व्हाट विल बी दिस एंगल, 30। वी आर नोइंग फॉर पैरेलल सर्फेसिस I इक्वल टू E, व्हाट इज E, इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट जो यहां पे रहेगा वो, ठीक है। तो ये चीज है। व्हाट अबाउट R, R क्या रहेगा, ये R 30 से ज्यादा होगा 30 से कम होगा, कम होगा, दिख ही रहा है ना हमको यहाँ पे, 2000 नॉर्मल बेंड कर रहा है तो एंगल थोड़ा कम हो गया यहाँ पे, बट इस वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस यहाँ पे R जो रहेगा और E रहेगा, अगर पूछे R डैश E इस वाले पे क्या आंसर आएगा, लेसर और ग्रेटर, लेसर, R इज एनी वे लेसर ओनली, इधर इट फ्रॉम इंसिडेंट एंगल और फ्रॉम इमर्जेंट एंगल, एंड दस वी कैन से I इज इक्वल टू E। यहाँ पे I इसलिए तो E के बराबर आ रहा है ना, तो ये आपकी एक थियरी भी हो जाती है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ये पॉसिबल है, ठीक है। नाउ सपोज इफ आई एक्सटेंड दिस रे, थोड़ा टेढ़ा समझ लेना, ये पैरेलल आएगा, तो ये क्यों पैरेलली शिफ्ट हो गई, बिकॉज ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये रे तो ऐसे ही सीधी ही जाने वाली थी ना, बट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की वजह से इसने अपना पाथवे थोड़ा चेंज किया, एंड दिस डिस्टेंस, दिस डिफरेंस बिटवीन इमर्जेंट एंड इंसिडेंट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये आपको वर्ड याद रखना है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ये सब है आपका, रिफ्रैक्शन का पॉइंट है, कई सारी एक्टिविटीज है, कॉइन आपको जब पानी में डालोगे, ग्लास में पानी उसमें भरोगे तो कॉइन ऊपर से आपको दिखाई देगा, रीजंस कई सारे हैं, कंसेप्ट वही है, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर है, आपको इमेज उभरी हुई सी दिखाई देती है, ये कंसेप्ट इसमें याद रखने का। नाउ पेज नंबर 174 पे भाई, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये दो मार्क में पूछा जाता है, जिसमें एक अलग से दो मार्क में और भी है इसमें, तो पहले रीड करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या। तो सबसे पहला, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेस। तो यहाँ पे ये अगर मीडिया को कंसिडर करो तो ये सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों दिन एक ही प्लेन में लाई करते हैं, पहला पॉइंट। जबकि सेकंड पॉइंट तुम्हारा एक डेफिनेशन है, कौन सा है, ये स्नेल्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डज इट सेस, the ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant for a given color of light and for a given pair of media. Given pair of media का मतलब दो मीडिया की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो चाहे मैं यहाँ पे टेस्ट करूँ, अमेरिका में टेस्ट करूँ, कहीं भी टेस्ट करूँ, अगर मैं ग्लास ले रहा हूँ, अगर मैं वाटर ले रहा हूँ, रेशियो सेम होगा, कहीं भी मैं टेस्ट करूँ, अगर मैं एयर का बात कर रहा हूँ, ग्लास का बात कर रहा हूँ, रेशियो सेम रहेगा, लाइट भी कलर भी सेम होना चाहिए, अगर मैं रेड कलर की बात कर रहा हूँ रेशियो सेम होगा। तो गिवन कलर ऑफ लाइट एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज कॉन्स्टेंट, तो साइन आई अपॉन साइन आर ये क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे कॉन्स्टेंट रहता है, अगर हम एयर के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, सबसे पहली बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन ही आएगी, रीजन हम किससे कंपेयर करते हैं, एयर, एयर या तो वैक्यूम से कंपेयर करते हैं,
और किसी और मीडियम की अगर बात करें तो हमेशा उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा ही है। तो अपॉन में जब लेते हैं अपने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल कर रही है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम अपने कंसीडर करते हैं। अगर ये एयर है और अगर ये ग्लास है तो मैं लिखूंगा क्या, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ऊपर क्या लिखूंगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ईटा, इसको एन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ईटा, ईटा ऑफ ग्लास अपॉन ईटा ऑफ एयर, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब ये तीन चीज में से कोई एक चीज का वैल्यू नहीं दिया होगा। सपोज आपको ग्लास का दिया हुआ है, सपोज आपको ग्लास टू एयर का रेशियो दिया हुआ है, तो आपको एयर का फाइंड करना है। अब इसमें तो एक बार ट्रिकी है, वो दिमाग में रख लेना। आपको कुछ कुछ यहाँ पे जो सामने पिंक में ना वो याद करवाए थे, मैंने बोला था एयर का है, ग्लास का है, टर्पेंटाइन का, केरोसिन का है, डायमंड का है, ये थोड़े बहुत आपको याद रखने हैं। तो होगा ऐसा कि सपोज कि आपको पूछे एब्सोल्यूट रिफ्रेक्ट आई मीन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, फाइंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो कुछ भी हो जाए किसी भी मीडियम से कंपेयर करे, जब आप कंपेयर करोगे ना तो उस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो मीडियम का पूछा है ना वो वही आने वाला है, क्योंकि आपको वैल्यू उसके हिसाब से ही दी होगी। तो अगर यहाँ पे आपको ग्लास दिया, यहाँ पे एयर दिया है, यानी कि इसका रेशियो दिया है, और अगर मैं बोलूँ ग्लास का फाइंड करो, एयर आपको दिया है कितना है 1, ग्लास टू एयर का रेशियो बोला है अगर आपको तो 1.5 सपोज, तो आंसर आपका क्या आने वाला है 1.5, जो कि क्राउन ग्लास का उतना ही है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना आंसर अल्टीमेटली वही आने वाला है। तो ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, तो इसको दिमाग में रखना। एन जहां पे जा रहा है वो पहले, वो अलग होगा, दो है जब रिवर्स कर रहे हैं तो अलग हो जाता है। हम कहां से रिस्पेक्ट देखना है, हमको हम कौन से मीडियम में जा रहे हैं ना वो पहले लिखना है, कहां से आ रहे हैं बाद में लिखना है। तो ये आपको सिंपल सा फॉर्मूला समझ में आ गया इतना। अगर वेलोसिटी की बात करें तो सिनेरियो उल्टा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन अगर एयर दिया है तो यहां पे वेलोसिटी की बात करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ एयर ऊपर और वेलोसिटी ऑफ ग्लास नीचे, रिवर्स हो जाता है वेलोसिटी के केस में, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी वाले न्यूमेरिकल भी जनरली पूछते हैं, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगर आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो वेलोसिटी आपको देखना है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में ऊपर न्यूमरेटर में हमको जहां से लाइट आ रही है वही लिखना है और कहां जा रही है वो नीचे ही लिखना है। कहां से लाइट आ रही थी, एयर से, कहां जा रही है, ग्लास में। वेलोसिटी में सेम सिनेरियो, लेकिन अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो इसमें रिवर्स होता है, जहां पे गई उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में और जहां से आई थी वो डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। And what about absolute refractive index? जब हम किसी भी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम जब वैक्यूम से कंपेयर करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलती है, क्यों वैक्यूम से, वैक्यूम में ऐसा क्या खास बात है, उसकी वैल्यू कितनी है 1.0 यानी 1। तो 1 के साथ जब अपने कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो डेफिनेशन है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की और एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की, दो या तीन मार्क में पूछा जा सकता है टॉपिक, आपको फॉर्मूलाज लिखने रहेंगे। इसमें C की स्पीड कितनी है, C यानी कि लाइट की स्पीड कितनी है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, बाई चांस नहीं दे तो। अब ध्यान रखना हम लोग यहाँ जिस डेंसिटी कब से बात कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट है उसको बोलते हैं, अदरवाइज गोल्ड भी है, गोल्ड की डेंसिटी तो काफी हाई है। ठीक है, आप 1 kg कॉटन एक बोरे में भरो, 1 kg कॉटन, रुई बोलते हैं रुई, और 1 kg गोल्ड लो, किसकी साइज ज्यादा दिखेगी, कॉटन ऑब्वियसली, क्यों, उसकी डेंसिटी काफी कम है, जबकि गोल्ड की डेंसिटी काफी ज्यादा है तो वो छोटे से जगह में फिट हो जाता है। तो ये कंसेप्ट है, वो डेंसिटी मटेरियल है, मास वाली डेंसिटी, ये कौन सी है, ऑप्टिकल डेंसिटी, ट्रांसपेरेंट मीडिया की डेंसिटी है। फिर लेंसेज की बात करें तो लेंसेज में सेम कहानी है, लेंसेज में आपको दो तरह के लेंसेज रहते हैं, एक रहेगा तुम्हारा कॉनकेव और दूसरा रहेगा कॉनवेक्स। जो जो सीक्वेंसेस हमने कॉनवेक्स सॉरी कॉनकेव मिरर में देखे थे वो सारे सीक्वेंस हमारे कॉनकेव लेंस में होते हैं, ये तुम्हारा कॉनवेक्स लेंस। ठीक है, इसमें जो जो वैल्यूज हमने देखे ना सब वही रियल इन्वर्टेड फोकस यानी हाईली डिमिनिश, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज, रियल इन्वर्टेड हाईली एनलार्ज, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज, ये सब इसमें मिलेगा, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। फर्क क्या है,
उसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती थी, इसमें लाइट आर पार जाएगी, लेंस है ना तो आर पार जाएगी। तो बिफोर दैट ओ, उसमें पी था, इसमें ओ है, ओ यानी ऑप्टिकल सेंटर। बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है यहाँ पे। यहाँ पे दो फोकस आएंगे F1 F2, यहाँ पे 2F1 2F2, ये चीजें आपको कॉमन लिखनी है। वहां पे सी था, सी की जगह यहाँ पे क्या है F1 और F2 F1 अपने लिखते हैं। बेसिकली है वही डबल द फोकस की ही वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें इसके रूल्स क्या है, सेम, अगर पैरेलल है तो पास होके फोकस से जाएगी, अगर फोकस से जा रही थी तो पैरेलल हो जाएगी, अगर तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। तो डिपेंड करता है कहां से जा रही है इमेज, आई मीन इंसिडेंट है, उसके हिसाब से, ठीक है। इसके भी तुम्हारे 6 डायग्राम्स है, पोजीशन जैसे बताई सब वैसे ही वैसे ही। ग्रीन वाला टेबल याद कर लेना, 178 पेज पे है, इसको बराबर से टिक कर लेने का। और कॉन्वेक्स मिरर आई मीन कॉनकेव की बात करें तो जो चीजें कॉन्वेक्स में हुई थी वही यहाँ पे कॉनकेव लेंस में हो रही है। यहाँ पे भी तुम्हारा सेम सिनेरियो है, पहली इमेज जो तुम्हारी बनने वाली है इसमें लाइट क्योंकि डाइवर्ज करती है उसको एक्सटेंड करेंगे फोकस पे जाएगी, और दूसरी जब तुम्हारा पास में कहीं ऑब्जेक्ट है, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं पे है तो पहले तो डाइवर्ज की पास फोकस से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से घुमा दो, यहाँ पे तुम्हारी जो है इमेज मिल गई, यानी बिटवीन ओ एंड एफ। फर्क क्या हुआ, इमेज वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, सेम ही है, जो कॉन्वेक्स मिरर में हो रही थी वो कॉन्केव लेंस में भी सेम है। फर्क ये है कॉन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर हो रहा था, यहाँ पे फ्रंट ऑफ द लेंस हो रहा, बात वही है क्योंकि इसमें आर पार जा रहा है ना, बाकी सब में आर पार जा रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ रही है, तो वर्चुअल इमेज सेम साइड पे यहाँ पे हमको मिलती है। तो डायग्राम्स आपको बराबर से देख लेने, 8 डायग्राम इसमें भी है, लिखने का एग्जैक्ट सेम ही है इसमें। तो सारे डायग्राम्स तुम्हारे पेज नंबर 180-181 पे दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से इसको करने का, सबसे सिंपल डायग्राम से। एंड द लास्ट ऑफ इट पावर ऑफ लेंस, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, पी इज इक्वल टू 1/f, कितने एक्सटेंट तक इमेज हमको मिल रही है बेंड होके, यानी इंसिडेंट रे जब रिफ्रैक्ट होती है तो कितनी हद तक बेंड हो रही है, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट रे, दैट इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ लेंस। उसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, f इक्वल टू 1/f, सॉरी b इक्वल टू 1/f। इसकी ऐसा यूनिट है डायोप्टर, बाय चांस बोर्ड में पूछा था लास्ट ईयर के गुजराती मीडियम के जो पेपर थे ना उसमें ऐसा पूछा था कि पावर ऑफ लेंस को मेजर कौन करता है, और पावर ऑफ हाँ तो डायोप्टर मीटर उसमें आंसर आता है, डायोप्टर मीटर अगर ऐसा पूछे ना व्हाट मेजर्स पावर ऑफ लेंस, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि पावर ऑफ लेंस का अगर आपको पूछे व्हाट मेजर्स पावर ऑफ लेंस, योर आंसर विल बी डायोप्टर मीटर, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, योर आंसर विल बी डायोप्टर, ठीक है। तो ये याद रखना, लेटर डी से डिनोट किया जाता है, एंड एफ फोकल लेंथ जो है वो एक्सप्रेस करते हैं मीटर में, एक चीज ये दिमाग में रखना। तो पावर ऑफ लेंस की दो यूनिट्स हो जाएगी, एक तो डायोप्टर और दूसरी रहेगी मीटर इनवर्स, इनवर्स क्यों, फॉर्मूला क्या है, p इक्वल टू 1/f, तो 1/ मीटर यानी कि मीटर इनवर्स इस तरह से रहेगा, बराबर है। तो ये डेफिनेशन है। अब दूसरी बात, हमको जब भी न्यूमेरिकल में पावर आई मीन फोकल लेंथ दी जाती है किसमें दी जाती है, सेंटीमीटर में, तो जब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखे क्योंकि ये तो मीटर में आने वाला है, डायोप्टर पावर जो वो मीटर में आने वाला है, यानी मीटर को कंसीडर करके आता है, तो हम जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होती है ना 100/f, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना रहेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। और ध्यान रखना पावर ऑफ लेंस जो रहेगा वो तुम्हारा 1.4 5.4 ऐसे सब आ सकता है माइनस या प्लस में, लेकिन 0. समथिंग में एकदम नीचे नहीं जाने वाला है वो पावर ऑफ लेंस। तो ये फॉर्मूला जब यूज करोगे तो देखना थोड़ा, एक डेसिमल बहुत कम रेयरली चांस रहेंगे होगा, लेकिन आसपास के नंबर 42 52 ऐसे सब नंबर नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना, वो एकदम चश्मे चच्चू बिलाड़ी के बच्चे हुए हैं ना वे, बाकी कहीं क्लियर दिस वन। नाउ बेस्ड ऑन ऑल दिस फैक्ट, फोकल लेंथ की अगर बात करें, फोकल लेंथ कुछ भी हो जाए पॉजिटिव किसकी होगी, कॉन्वेक्स, कौन सा मिरर भी और लेंस भी दोनों ही कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, जबकि नेगेटिव किसकी होगी,
कौन के अभी, तो आपको ये माइनस प्लस के हिसाब से भी बहुत सारे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव पूछते हैं. इफ द मिरर हैज फोकल लेंथ माइनस 40 सेंटीमीटर व्हाट टाइप ऑफ अ मिरर इट इज, कौन के. माइनस देख के ही अपने को लिख देने का, कोई टेंशन नहीं, ठीक है. दूसरी बात, कॉनकेव किसके लिए यूज करते हैं, पास का देखने के लिए कि दूर का. कॉनकेव कॉनकेव लेंस दूर का और कॉनवेक्स पास का. सो दैट वाज योर चैप्टर नंबर 9. नाउ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. तो आंखें डायग्राम, ये चैप्टर से 4 मार्क की एक शॉर्टकट आती है. आई मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया नेप्रिज्म, ये 4 टॉपिक्स कर ही लेने के, इसमें से डेफिनेटली एक तो दिखाई देगा ही देगा, तो इसको छोड़ने का नहीं. और बाकी रेनबो है के वो सनसेट और सनराइज, एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, ये सब जो है वो सब 2 या 3 मार्क में पूछे जा सकते हैं, जो कि मैंने भी रेनबो पूछा था 4 मार्क में, मेरी बात अलग है. चलो तो ह्यूमन आई, तुम्हारा ह्यूमन आई में यहाँ पे कई सारे फंक्शन है, मैं आपको डायरेक्टली पूछता हूँ. सबसे पहले स्टार्टिंग विद द कॉर्निया, व्हाट इज कॉर्निया, आउटर मोस्ट बल्जी पार्ट ऑफ द आई फ्रॉम वेयर द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन तो यहां से ही हो जाता है. उसके बाद अगर बात करें अंदर, तो अपना आता है यहाँ पे आयरिस, व्हाट इज आयरिस, मस्कुलर डायफ्राम, कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम ऐसा बोल सकते हैं. इसको कलर कहां से मिलता है, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन डेवलपर, जो जीन होते हैं ना वहां से प्रोटीन डेवलप करते हैं, इसकी वजह से इसका एक पर्टिकुलर कलर होता है. देन बिटवीन आयरिस क्या होता है, प्यूपिल. प्यूपिल क्या करता है, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. नाउ हु कंट्रोल्स प्यूपिल, आयरिस. तो ये सब ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखना है, हु कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, प्यूपिल. इन दोनों में चेंज है. फिर उसके पिछू कौन आएगा, लेंस, लेंस क्रिस्टलाइन लेंस आता है, ट्रांसपेरेंट लेंस आता है. व्हाट इज द शेप ऑफ द लेंस, convex, it is convex, ठीक है. Now, lens is connected with which muscles, ciliary muscles. Now, objective, when ciliary muscles relax, lens becomes thin, thick. Stretch करेंगे तो thick, relax करेंगे तो thin. अब दो scenario, अगर lens thin हो गया, convex thin हो गया, तो अपने पास का देख पाएंगे कि दूर का देख पाएंगे, दूर का. जितना लेंस थिन उतना दूर का अपना देख पाएंगे. दिस इज बेसिकली द एडजस्टमेंट ऑफ द फोकस, कौन करवाता है, सीलियरी मसल्स, ठीक है. फिर उसके बीच में 2 तरह के लिक्विड्स यहाँ पे मौजूद है, एक बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस, क्या बोलते हैं उसको, एक्वियस ह्यूमरस, एक्वियस और लेंस एंड रेटिना के बीच में विट्रियस ह्यूमर, ठीक है. नाउ स्क्रीन एट द बैक साइड ऑफ द आई, रेटिना. ऑन विच स्पॉट द इमेज कैन नॉट बी फॉर्म, ब्लाइंड स्पॉट. व्हाट इज देयर एट द ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व्स आर अराइजिंग फ्रॉम दैट स्पॉट, इसलिए वहां पे कोई इमेज फॉर्म होती नहीं है. व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द रेटिना, कॉन्स एंड रॉड. कॉन्स इज फॉर कलर, कलर डिटेक्शन, वेयर एज रॉड्स आर फॉर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ठीक है. तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई है. What is the diameter of the eye? Roughly 2.3 centimeter. Power of accommodation, that's a change in the focal length of the eye lens. Eye lens के जो change होते हैं focal length का, उसको बोलते हैं power of accommodation. कौन करवाता है? Again ciliary muscles करवाता है. Why? अपना focus change क्यों करना है? अगर मैं अभी हाथ को देखूंगा clear दिखेगा, पीछे वाला धुंधला हो जाएगा. अगर मैं पीछे देखूंगा हाथ जो है वो धुंधला हो जाएगा. The fast acting of the ciliary muscles on the lens is because of ciliary muscles. ये इस चीज का फोकस अप एंड डाउन आगे पीछे जो है वो करवाने में मदद करता है. तो इसी चीज को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन. तो डेफिनेशन जनरली इसकी पूछी जाती है. डिफेक्ट्स ऑफ द करेक्शन, डिफेक्ट्स ऑफ द विजन एंड द करेक्शन, 3 तरह के डिफेक्ट होते हैं. फर्स्ट वन मायोपिया, सेकंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड वन इज प्रेस मायोपिया. चलो मायोपिया की बात करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज मायोपिया, मायोपिया के 2 नाम, नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस. जब नाम है वो काम है, नियर का मतलब नियर का दिखता है, पास का दिखता नहीं है. नाम है वो काम है, याद रखना इसको, ठीक है. तो मायोपिया में वी कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट वी कांट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. तो अगर दूर का दिखाई नहीं दे रहा, दैट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम इन लेंस. ईदर द लेंस इज नॉट बिकमिंग थिन एज पर द रिक्वायरमेंट, और वी कैन से
द आईबॉल हैज बीन एलोंगेटेड, आईबॉल थोड़ा लंबा हो गया कि कितना भी लेंस अगर उसको लाइट को फेंक रहा है तो इमेज बन ही नहीं रही है. इन दिस केस द इमेज विल फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, एक्सटेंड हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि आईबॉल या तो इलांगेट हो गया है या तो लेंस जो है वो थिन का थिन हो ही नहीं रहा है यहाँ पे. तो ये दो रीजन इसमें हो सकते हैं. तो कॉजेस ऑफ मायोपिया आर दिस रीजंस. ठीक है, नाउ व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट दिस डिफेक्ट? वी शुड यूज अ एप्रोप्रिएट कॉनकेव लेंस टू करेक्ट दिस डिफेक्ट. होगा क्या, कॉनकेव लेंस जब यूज करेंगे तो वो पहले डिफ्लेक्ट करेगा लाइट को और फिर उसको अंदर अपने आई लेंस पे कन्वर्ट करेगा. तो एप्रोप्रिएट तुम्हारा जो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर से जो लाइट रे फॉल होनी चाहिए रेटिना पे वो एडजस्टमेंट होके आ जाती है. तो बहुत ही सिंपल, तीन पॉइंट गिन के लिखने हैं इसमें. डायग्राम आपको तीनों तीन लिखना है. पहला अपना मायोपिक आई क्या बोलते हैं वो, सेकंड उसका डिफेक्ट कहां है क्योंकि रेटिना के आगे फॉर्म होता है वो, और तीसरा कॉनकेव लेंस लगाने के बाद डिफेक्ट कैसे करेक्ट होता है वो. ठीक है, ये तीनों तीन डायग्राम आपको शो करना है. लिखना कम है लेकिन डायग्राम तीनों तीन इसमें है. ठीक है, सेम गोज फॉर हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया के दो नाम, फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं. जैसा नाम वैसा काम, दूर का देख सकते हैं पास का दिखेगा नहीं. वी कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट वी कांट सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली. सो अगेन जब पास का नहीं देख पाते तो रीजन क्या हो सकता है, द लेंस इज नॉट बिकमिंग थिकर एज पर द रिक्वायरमेंट. या तो आई बॉल जो है वो एलोंगेटेड की जगह थोड़ा वर्टिकल कर्वेचर उसका कम हो गया, तो ये रीजन हो सकता है. एंड वेन द कर्वेचर बिकम स्मॉलर द इमेज विच वॉज टू बी फॉर्म ऑन द रेटिना नाउ फॉर्मिंग बिहाइंड द रेटिना. बराबर है, तो हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे इमेज फॉर्म होती है. तो अगेन आगे फॉर्म हो गया पीछे फॉर्म है, दोनों के साथ ब्लरी दिखने वाला है तो विजन तो डिफेक्ट हो ही गया यहाँ पे. नाउ टू ब्रिंग बैक द इमेज फ्रॉम बैक साइड टू द फ्रंट साइड और ऑन द रेटिना हमको कर्वेचर कम करना है. तो कर्वेचर कम करने के लिए हमको कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कॉनवेक्स. ठीक है, तो कॉनवेक्स लेंस यूज करेंगे, कन्वर्ज होगा और अंदर आंखों के लेंस में जाके और भी कन्वर्ज होगा, तो अल्टीमेटली रेटिना के ऊपर जो है अपनी इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगी. तो बहुत ही सिंपल सी ये दो शॉर्ट नोट है, खाली पांच पांच बार इसको पढ़ भी लोगे ना तो भी रिवाइज हो जाएगा और इन दोनों में से एक के चांसेस काफी ज्यादा हाई रहते हैं. ठीक है, थर्ड वन इज प्रेस बायोपिया. प्रेस बायोपिया का दूसरा नाम क्या है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया. बेतारा अपने इसको गुजराती हिंदी जो भी है उसमें बोलते हैं. 42 इयर्स के बाद जनरली ये आई डिफेक्ट होता है. जब एज एक बढ़ने लगती है तो उसके बाद सीलियरी मसल्स वीक होने लगती है जिसकी वजह से दूर का तो पहले ही फामे थे, अब पास का भी दिखाई देना बंद हो जाता है. तो दोनों ही डिफेक्ट होता है. नाउ इन दिस केस व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज वी आर यूजिंग, बाइफोकल लेंस. इन बाइफोकल लेंस इन द स्पेक्टिकल व्हाट इज द अपर पार्ट ऑफ द स्पेक्टिकल, कॉनकेव, एंड द लोअर पार्ट इज कॉनवेक्स. ठीक है, ये सारी चीजें याद है तो बहुत अच्छी बात है. Now, prism, prism का आपको पता ही है, prism का डायग्राम पूछते हैं, इसका एक्टिविटी पूछते हैं. इट्स अ prism, prism के पांच फेसेस रहते हैं. Among that two are triangular faces and three are rectangular faces. When the light is incident on the rectangular face of one side, it will from air to glass medium enter there, it will bend towards the normal. And when it leaves from glass to air medium, it will bend again away from the normal. अब normal इसका कैसे होगा, तो ऐसे होगा. इसका नॉर्मल कैसे होगा, तो ऐसे होगा. तो अल्टीमेटली इट शुड पास लाइक दिस, बट इट पास इन बेंड. ये नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो गई, तो जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये ऐसे बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड. पहला केस, इसमें जानी चाहिए थी ऐसे लेकिन ये अवे, नॉर्मल से और भी दूर चली गई. तो सिंपल कंसेप्ट, रेरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड डेंसर टू रेरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल. बट दिस इज द सिनेरियो. नाउ व्हेन यू एक्सटेंड दिस इंसिडेंट and emergent, you are getting an angle. This angle is known as angle of deviation. ये angle change हो सकता है, कैसे? Simple. इसका angle change करो incident का, तो अपने आप तुम्हारा deviation का angle जो है वो भी change हो जाएगा. Now, इसका एक formula भी आप लोगों को लिखवाया था. अगर angle of deviation find करना है तो angle I plus angle E, ये E angle है, ये I angle है, minus angle A. What is this A? एंगल ऑफ प्रिज्म. अगर आपको पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर अ रेगुलर प्रिज्म, रेगुलर का मतलब तीन साइड है, 60. बराबर है, याद रखना रेगुलर का मतलब होता है तीनों तीन साइड सेम, तीनों तीन साइड सेम यानी इक्विलेटरल हो गया यहाँ पे. तो ये कैसा हो गया तुम्हारा 60 एंगल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्नर क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर अ रेगुलर प्रिज्म. आंसर 60 होगा तुम्हारा, बाकी अलग अलग वैल्यूज भी आती है. अरे तो एक्टिविटी आपको पूछ सकते हैं.
Now dispersion of white light by a glass prism. किस साइंटिस्ट ने पहले ये किया था? आइज़ैक न्यूटन ने देखा था. Now dispersion of white light from a sunlight या glass prism में से. तो when white sunlight is passed onto this, एक slit बनाई थी उसने, slit के gap में से pass किया था. He saw that this light splits into seven different color. और उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर था, ठीक है? तो सबसे टॉप पे कौन था? टॉप पे कौन था? रेड. टॉप पे रेड था और सबसे नीचे वायलेट था. आर ऊपर और वी नीचे. और अपने जो नाम देते हैं वो विक्योर. विक्योर का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. इस तरह से. अब इसमें दो चीजें बराबर से समझ लो. अगर आपको पूछे विच कलर लाइट इज डेविएटेड मिनिमम, रेड. कम से कम डेविएट, कम से कम झुकी कौन सी लाइट है? रेड. अगर पूछे मैक्सिमम, ठीक है. अब इसका रिवर्स क्वेश्चन और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन. अब ये रेड लाइट कम झुकी है, कम झुकी है इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बहुत तेज थी. तो अगर आपको पूछे हुज वेवलेंथ इज फास्टर, रेड. हुज वेवलेंथ इज स्मॉलर या तो लाइटर, तो वायलेट. ये दो ऑब्जेक्टिव याद रखना है आपको. बीच का तो कुछ भी पूछ सकते हैं. विच कलर इज इन द मिडल ऑफ द स्पेक्ट्रम? ग्रीन. वो बीच से सात है ना, तो सात मेरे बीच में ग्रीन आएगा, वो देख लेने का. नाउ आइज़ैक न्यूटन ने हमको बताया कि व्हाइट लाइट इज कंपोज ऑफ सेवन कलर्स. रिवर्स इज पॉसिबल? तो यस. उसने दो इन्वर्टेड प्रिज्म्स एक दूसरे के अपोजिट फेसेस पे लिए एंड देन ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट इन विच ही प्लेस एन स्क्रीन ओवर हियर. बहुत सारे इसमें मार्क्स कटे थे, इस बार स्क्रीन रखी नहीं थी. तो यहाँ पे जब व्हाइट लाइट को पास किया गया, सेवन बैंड ऑफ कलर बीच में मिले, वापस से जब सेवन बैंड को इन्वर्टेड प्रिज्म पे रखा गया और वहां से जो लाइट पास हुई, दैट लाइट इज अगेन व्हाइट लाइट, विच सजेस्ट और विच प्रिडिक्ट्स दैट दिस व्हाइट लाइट इज कंपोज ऑफ सेवन कलर. एंड व्हेन दिस सेवन कलर लाइट इज इंसिडेंट अगेन ऑन एन इन्वर्टेड प्रिज्म, इट गिव्स बैक द व्हाइट कलर लाइट. ठीक है. तो सूरज की लाइट कौन से कलर की है? व्हाइट लाइट. याद रखना, येल्लो नहीं है. और डिस्पर्जन, उसका आपको डेफिनेशन बोलते हैं. व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट है? द सॉरी, व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम पूछते हैं. तो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवन कलर फ्रॉम द प्रिज्म इज कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रम. ये सात कलर का मिक्सचर है. रेनबो, रेनबो का इस बार पूछा ही था सवाल, आपको बताइए. रेनबो, द वॉटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमोसफेयर एक्टिंग लाइक अ स्मॉल प्रिज्म्स. फोर प्रोसीजर्स आर टेकिंग साइमल्टेनियसली व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट. सबसे पहले रेनबो कौन सी दिशा में होता है? अपोजिट टू द सन. आपको ऐसा नहीं लिखना है कि कौन सी डायरेक्शन है, नहीं, सीधा आंसर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सन. ठीक है. अब सन अगर इस डायरेक्शन में, तो यहां से रे फॉल करेगी. ठीक है. सबसे पहला क्या होगा? डिस्पर्जन. सात कलर में सेपरेट होगा क्यों? क्योंकि प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है. नाउ सेकंड, यहां पे एक प्रोसीजर होती है जिसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन. अभी हमेशा नहीं होता. हमेशा नहीं होता. बारिश, एटमोसफेयर मॉइस्चर रहता है, सन रहता है. क्या रेनबो हमेशा दिखता है? नहीं. समटाइम्स दिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमोसफियर कम्स एट अ सम क्रिटिकल एंगल. ये जो एंगल यहां बनता है ना, व्हेन द एंगल कम्स एट द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल यानी इंसिडेंट जब 90 डिग्री का ऊपर जाता है, तब ये एंगल क्रिएट होता है और तभी इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है. अदरवाइज सीधा रे आर पार हो जाती है. बट इस कंडीशन में जब क्रिटिकल एंगल से ऊपर का इंसिडेंट एंगल जब बनता है, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. इन दिस केस द रेज, द डिस्पर्स्ड रे, द सेवन कलर रेज इज बैक बाउंस कमिंग आउट ऑफ दिस वाटर ड्रॉपलेट्स. और अगर यहां पे अगर ऑब्जर्वर है, तो इसको ये रेज जो है वो आफ्टर वन मोर रिफ्रैक्शन, हाँ, आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां पे आपको वापस से दिखाई देगा. तो अगर सूरज पीछे है, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, सूरज यहाँ पे है, तो मुझे रेनबो यहाँ दिखने वाला है. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ. अगर सूरज यहाँ पे है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था. Now the phenomena of atmospheric refraction. हम ऐसा हमारे सराउंडिंग में कौन कौन से ऐसे डेली के सीक्वेंसेस देखते हैं, तो सबसे पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. नाउ स्टार्स ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते. रीजन, स्टार्स आर वेरी फार अवे, बहुत ज्यादा दूर है.
तो दे आर कंसिडर एज अ पॉइंट लाइट सोर्स, एक पॉइंट है, जबकि प्लैनेट्स आर कंपैरेटिवली वेरी नियर टू द अर्थ, और वो ऐसा है, एक बड़ा सा प्लैनेट है जो अर्थ से काफी करीब है, ये मल्टीपल पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है। सो व्हाट हैपेंस, एक तो स्टार्स की खुद की लाइट होती है, बराबर है, लंबे डिस्टेंस स्पेस से ट्रैवल करती हुई आ रही है यहां पर, एंड इसकी खुद की लाइट नहीं होती है, ये क्या है, प्लैनेट है, प्लैनेट की खुद की लाइट होती है नहीं, किसकी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, सन, ठीक है। When this star's light is entering our atmosphere, it has to face multiple refractions. Earth का layer stagnant नहीं है, Earth का atmosphere stagnant नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक जैसे जैसे आते रहते हैं तो डेंसिटी बढ़ती रहती है, तो अल्टीमेटली रिफ्रैक्शन भी मल्टीपल टाइम्स होता रहता है यहाँ पे, तो इन मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन की वजह से जो ये जो लाइट है ना थोड़ी फ्लिकर करती हुई अपने को दिखाई देगी, दैट इज वाई वी आर सीइंग दिस स्टार्स आर लाइक ट्विंकलिंग, एक पॉइंट सोर्स है जो दूर से लाइट ट्रेवल करती आ रही है, मल्टीपल लेवल से इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसलिए इसका इफेक्ट आपको थोड़ा ट्विंकलिंग जैसा दिखाई देता है। बट दिस वन, जब प्लैनेट से लाइट आ रही है, सपोज ये पॉइंट से लाइट डीम आ रही है, ये वाले पॉइंट से ब्राइट आ रही है, इससे डीम ब्राइट, ऐसे मल्टीपल पॉइंट सोर्सेज से अगर लाइट आ रही है और उन सोर्सेज से अगर लाइट कभी डीम कभी लाइट अगर ब्राइट आ रही है, तो अल्टीमेटली जो उसका फाइनल इफेक्ट होगा ना वो एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, नलीफाई का मतलब जो झबुक झबुक होता है ना ट्विंकलिंग इफेक्ट, वो प्लैनेट्स में दिखाई देने वाला नहीं है, जबकि इसमें ऐसा होता है, ये पॉइंट जैसा सोर्स है, इसमें ऐसा दिखाई देगा नहीं, रीजन एक ही है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ पॉइंट लाइक सोर्स एंड दिस इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट लाइक सोर्सेस, इसीलिए ऐसा होता है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जिसमें स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट क्यों नहीं करते, ये एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का पार्ट हुआ। दूसरा, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, एडवांस सनराइज, सनराइज का मतलब सूरज उगता है, सूरज जब होराइजन पे आता है, यानी अगर अर्थ है, हम यहाँ पे है अगर सपोज, तो होराइजन पे अभी तो यानी इससे ऊपर उठा भी नहीं होता है, इसके पहले ही हमको दिख जाता है, तो वो हम सन को नहीं देख रहे, वो उसकी इमेज को देख रहे, क्योंकि जब यहाँ से लाइट आ रही है तो बेंड हो जाएगी, ऑब्वियसली रेयरर टू डेंसर मीडियम बेंड हो जाएगी, तो हमको बेंडिंग को देखो, हमको यहाँ पे दिखाई देगा सपोज, तो कितना मिनट पहले, सेम सीक्वेंस है, जब सन डूबेगा तो डूब अभी तक डूब चुका है, फिर भी वो अभी भी ऊपर ही दिखता रहेगा, तो दो मिनट बाद हमको सूरज दिखना जाएगा, उससे पहले डूब चुका है लेकिन फिर भी दो मिनट तक दिखता रहे, अभी टाइम है, दो मिनट तक दिखता रहेगा, तो यहां पर भी दो मिनट का डिले होता है, इसीलिए एडवांस सनराइज 2 मिनट्स अर्लियर, यहाँ पे डिलेड सनसेट 2 मिनट्स लेटर, इसलिए इसको बोला जाता है। स्केटरिंग ऑफ लाइट, नाउ आसमान नीला ही क्यों दिखाई देता है, ब्लू ही क्यों दिखाई देता है, ऐसा अच्छा दूसरा लाल बिल भी तो दिखना चाहिए था, पिंक ऐसा कुछ अच्छा लगे जरा सामान को, बट ऐसा जनरली दिखाई देता नहीं, ब्लू दिखाई देता है, नाउ व्हाई ब्लू, ब्लू वायलेट इंडिगो, ये जो लास्ट के तीन कलर है ना, इनकी जो वेवलेंथ रहती है काफी शॉर्ट वेवलेंथ रहती है, एंड दीज पर्टिकुलर लाइट्स कैन डिस्पर्स अ पार्टिकल ऑफ अ वेरी स्मॉल साइज, जैसे कि मिस्ट, डस्ट, फॉग, डस्ट पार्टिकल्स, एयर, ये सब पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं जो एटमोस्फेयर में होते हैं, ये सारे पार्टिकल्स पे जब ये तरह की वेवलेंथ की लाइट टकराएगी ना, तो वो डिस्पर्स यानी स्कैटर फैल जाएगी, जबकि रेड, येल्लो, ऑरेंज इन सब लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फटाफट निकल जाएगी, तो जो लाइट टकरा के फैल जाती है, इस इफेक्ट को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये कौन सी लाइट करेगी, जिसकी वेवलेंथ कम है, जैसे कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इसलिए हमको आसमान जो है वो ब्लू दिखाई देता है। अब ये हम जहां अर्थ पे है ना, तो ही दिखाई देगा, स्कैटरिंग हम अर्थ पे है, हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, तो वो दिखाई देगा। एस्ट्रोनॉट को, या अगर प्लेन को ज्यादा हाइट की ऊंचाई पे उड़ रहा है, वहां के अंदर के पैसेंजर्स को आसमान कैसा दिखाई देगा, काला, क्यों, वहां पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं, या तो बहुत निग्लिजिबल एटमॉस्फेयर है, तो जब एटमॉस्फेयर है ही नहीं तो आंखों में रिफ्लेक्ट क्या करेगा हमको, कुछ भी नहीं। तो ये जो आसमान नीला दिखाई देता है, अगेन द इफेक्ट इज नोन एज स्कैटरिंग इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के बारे में 9th में भी हमने देखा है, कोलॉइड सॉल्यूशन में ऐसा होता है, वो कैनोपी ऑफ द ट्री में से जो लाइट हमको दिखाई दे, लाइट के पार्टिकल्स जो रहते हैं, लाइट के पार्टिकल्स नहीं, डस्ट के पार्टिकल, वो लाइट की प्रेजेंस में ही हमको दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज अ टिंडल इफेक्ट। तो ये कुछ कंसेप्ट है इसका। एंड कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, तो ये आपको बताया हाइट वाला। कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये है टॉपिक नहीं है, चलो सनराइज या सनसेट,
जब ये सूरज ढलने वाला होता है, आप सूरज की तरफ देखते हो, आसमान क्या दिखता है वहां पे? ब्लू दिखता है, तो लालम लाल या ऑरेंज दिखाई देता है आपको, ठीक है? और जब सूरज उगी रहा होता है तभी भी आप देखोगे तो वहां का, उस पर्टिकुलर जगह का। अब सपोज सुबह की बात करते हैं, जहां पे सूरज देख रहा हो वहां पे देखोगे तो थोड़ा रेडिश या ऑरेंज टाइप दिखाई देगा, लेकिन आप जब ऊपर देखोगे तो आपको व्हाइट नहीं ब्लू दिखाई देगा। वो लाइट क्यों अपने को ऐसा ही दिखाई दे रहा है? वो होराइजन पे है। अभी होराइजन पे होने की वजह से जो लाइट सबसे ज्यादा ट्रैवल कर सकती है वो ही अपनी आंखों तक पहुंचने वाली है, जैसे कि रेड ऑरेंज। तो बाकी की उन लाइट ने क्या गुना किया है? वो लाइट का क्या हुआ? स्कैटर, एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो गई ब्लू कलर की। तो ये ऑब्जेक्टिव तुम्हारे कोर्स में फिलहाल इस साल निकाल दिया, बट अगर बाई चांस पूछे व्हाट इज द कलर ऑफ सन एट द सनराइज और सनसेट, तो आपको रेड लिखना है, रेड या ऑरेंज, ठीक है? ये वाला आंसर आपको लिखना है। अब मुझे बताओ नून टाइम पे कैसा होता है सन का कलर? क्या होता है सोचो, देखा ही होगा ना व्हाइट। होराइजन का डिस्टेंस कैसा है? एकदम ज्यादा। जब अगर एकदम सर पे आ जाता है तो अर्थ पूरी तरह स्पीयर नहीं, आपको बताइए, तो ऊपर जब आता है ना तो ये डिस्टेंस काफी शॉर्ट हो जाता है। तो जितनी भी लाइट थी वो सब तो सारी की सारी स्कैटर हो जाती है, तो वो लाइट बची नहीं, जो लाइट बची वो स्ट्रेट व्हाइट लाइट अपनी तरफ आई। इसलिए दोपहर के टाइम में जो सन का कलर होता है वो कैसा होता है? व्हाइट। नून टाइम व्हाइट, सनराइज सनसेट रेड। यार तो इस तरह से, तो ये तो तुम्हारे दो चैप्टर 9 and 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड एंड तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल्स के लिए कोई भी डाउट है तो एक्स्ट्रा क्लासेस में आप लोग आ सकते हैं। नमस्कार।